मेरा एक्सप्रेस डिवीजन है वी एक्सप्रेस उसके 40 सीनियर मैनेजर्स के साथ ये कोर्स मैंने रिक्वेस्ट करके तीन दिन में के मतलब एक ही ऑडियंस था एक ही कंपनी के लोग थे तो तीन दिन में हो सका जो हम लोग पाँच दिन में कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप आपको एक ही बात कहूँ ना उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है मेरे सीईओ ई है मिस्टर ओ पी अरसवाल अनफॉर्चुनेटली आज आ जा नहीं सके आने वाले थे जिनका एज है 55, फाइव बीस साल 30 साल से ज्यादा उनको बिजनेस का अनुभव है लेकिन 20 साल से ऊपर उनका लॉजिस्टिक फील्ड में मास्टरी है इज अ थॉट लीडर कहे जाते हैं उन्होंने अपने जो नीचे के चाल अड़तीस मैनेजर थे उनके सामने ये कबूल किया जब यह प्रोग्राम हुआ कि अमरीश भाई आज से आप मेरे गुरु हो जो काम मैं तीन साल से दुखी होकर नहीं करवा सका वो तीन दिन में आपने क्या जादू कर दिया कर दिया काफी मेहनत कर रहा है वो आदमी सुबह साढ़े सात आठ बजे से निकल के रात को ग्यारह बजे तक जाता है मेहनत करने में और ऐसे नहीं है कि अनपढ़ आदमी है मेरी तरह वो आदमी सी ए है एल एल बी है सी एस है मतलब पढ़ा लिखा आदमी है सब कुछ उसको पता है एक्सपीरियंस है लेकिन ये जो मैथोलॉजी है स्टेटेजिक स्ट्रेटेजी सबसे पहले क्या है कि अपने को कहीं भी जाना है युद्ध में जाना है जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि सिलेक्टर ने बोल दिया आपको कि आने वाले ऑस्ट्रेलिया या, या इंग्लैंड की सीरीज में जैसे चार जीरो से हम हार के आए थे अभी चार जीरो से उनको हरा के आना है तो क्या करेंगे तो पहले स्ट्रेटेजी नक्की करेंगे कि क्या करना है उनका स्टडी करेंगे हमारे लिए ऑपरचुनिटी क्या है क्या वीकनेस है और क्या क्या करना है बहुत सारी बातें हैं अगर करने जाऊंगा तो फिर बाकी के स्पीकर रह जाएंगे तो मतलब स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाना पड़ता है जो इसमें मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो पंद्रह बीस कंसल्टेंट को मैंने भी झेला है लेकिन कंसल्टेंट क्या है पहले वो होता है ना मैगी मैगी नूडल वैसे गोल गोल घुमा देते और फिर उसमें से बोलते हाँ ऐसा करना पड़ेगा ऐसा करना और कह के छूट जाते यहाँ ये यह नहीं हो रहा है यहाँ पंद्रह दिन में रिव्यू हो रहा है और इनका जो रोल है वो एज ए कंसल्टेंट बिल्कुल नहीं है ये आपके बिजनेस पार्टनर है बिना वेतन के बिजनेस पार्टनर बन के आपको पूरा साल जब तक आपने डिसाइड किया है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको गाइड करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी सिंप्लीफाई चार चार पेज बस हो गया आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है और जिस तरह से ये तीन दिन का है ना मैं अगर उसका एक्सपीरियंस दो शब्द में कह, कहना बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन था जब ही हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इतना आसानी से हो जाएगा सबसे पहले क्या है कि टीम के जो मेंबर थे उनको ओनर बना दिया हम लोग साइड में मैं मेरा बेटा मेरा सीईओ हम लोग एक कोने पे एक बैठा है दूसरे कोने पे दूसरा बैठा है तीसरे कोने पे तीसरा बैठा है हम लोग का को कोई इन्वॉल्व नहीं जो लोगों ने बात किया उसके ऊपर से ही इन्होंने प्लान बनवाया स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी ऑपरचुनिटी क्या है थ्रेट्स क्या है उसके बारे में क्या क्या कमियां हैं उनसे ही उनके मुंह से बन, बुलवाया और क्या करेक्शन करने हैं उनसे ही करवाया तो हम लोग तो क्या है कि एज ए स्पेक्टेटर थे स्पेक्टेटर क्लास करने के बाद उनकी कैसे तरक्की हुई है केवाई बी को हम बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस है दिमाग में जो कचरा है ना कचरा उसको साफ करने का एक प्रोसेस है और साफ एक टाइम कचरा हो गया दिमाग से उसके बाद उड़ान नेक्स्ट लेवल पर जाने ऊंची उड़ान भरने के लिए है, तो मास्टर क्लास है हम लोग तीन महीना लेट है एक्चुअली हम तीन महीना आगे करना चाहिए था लेकिन ऊपर वाले के हाथ में कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं ऊपर वाले के हाथ में जब भी हम हमने अप्रोच किया तो बोला मेरी तो डेट्स बुक है तो अभी डेट्स मिली है इस डेट्स का फर्स्ट बैच का उम्मीद रखते हैं कि फर्स्ट बैच और सेकंड बैच का आज बुकिंग हो जाएगा और जो बुकिंग करेंगे उसको मैं यकीन करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ के सी एफ कभी पछताना नहीं पड़ेगा इतनी गारंटी दे सकता हूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पीसफुल थैंक यू